प्यारे नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार सैयद मज़हर अली इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैही राजिऊन। नाज़रीन इकराम, उनका इंतकाल किस बीमारी की वजह से हुआ जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप भी दुखी हो जाएंगे और कहेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो लेजेंडरी अदाकार थे। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं सैयद मज़हर अली। नाज़रीन इकराम, कौन नहीं जानता, सारी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत ज़्यादा पज़ेराई बख्शी है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ, सैयद मज़हर अली जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। उनको जो है वो फेफड़ों की बीमारी लाहक थी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, कई सालों से वो फेफड़ों की बीमारी में मुबतला थे और इलाज के सिलसिले में जो हैं वो पाकिस्तान भी आए थे। मैं आपको ये बताता चलूँ, सैयद मज़हर अली साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद थे और वहाँ इतलात मिली है, उनकी फैमिली ने यह तस्दीक की है कि उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, सैयद मज़हर अली का ड्रामा आपको कौन सा बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय को ज़रूर इजहार कीजिएगा। और मरहूम के लिए जो है वो दुआएँ की अपील है, आपसे दुआ कर रहा हूँ, उनके हक में दुआ करें। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ। नाज़रीन इकराम, सैयद मज़हर अली जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं थे, जी हाँ नाज़रीन इकराम, ड्रामा इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत जो है पज़ेराई बख्शी थी अपनी अदाकारी के ज़रिए से। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर जो मैंने आपको बता दी है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय, और इनका कौन सा ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपने दोस्त बिलावल हुसैन खान को इजाज़त दें। जज़ाकअल्लाह।